सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो हेलो दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है। वीडियो आपके लिए लेकर मैं आया हूं दोस्तों आपका हिंदी का, और यहाँ पर आपका 2017-2013 बैच का, यहाँ पर जो 2013 बैच 2017 में पेपर हुआ था वो यहाँ पर मैं पेपर कह लीजिए 2017 का पेपर लेकर के आया हूँ फोर्थ सेमेस्टर का। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमें पेपर कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, वो सारा कुछ यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पेपर होता है दोस्तों, ये आपका 25 नंबर का पेपर होता है जिसमें से आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं सर? 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके क्या बोलते हैं 6 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक, 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक जो आपके होते हैं बहुविकल्पी होते हैं, उसके बाद 6 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक आपके अति लघुत्तरी होते हैं, और 12 नंबर से लेकर के और 18 नंबर तक आपके जो प्रश्न होते हैं वो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, जिनका नंबर 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। दोस्तों सबसे आसान पेपर अगर डीएलएड में आता है तो सबसे आसान पेपर आपका हिंदी का आता है। सबसे आसान पेपर, चाहे वो जो सेमेस्टर हो, सभी सेमेस्टर में सबसे आसान पेपर हिंदी का आता है। और दोस्तों सबसे कम लिखने को आता है यहाँ पर हिंदी में। आप हिंदी में चाहे बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सटीक आंसर लिखेंगे तब, ठीक है। अभी तक जितना भी पीछे आपको हिंदी पढ़ाया गया है सारा कुछ यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है इस पेपर से, मतलब हर एक चीज़ वो आपको पढ़ाई गई है जो इस पेपर से मिलती आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे आपको बीच में डाल देना है, और अगर आप हाशिए का प्रयोग करते, जो मैंने साइड में बना दिया है, जैसे पिछले वाले वीडियो में साइंस वाले में मैंने नहीं बताया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने हाशिया बना दिया। अगर आप हाशिया बना देखिए, वहाँ पर आपको लाइनिंग वाली कॉपी मिलेगी, यहाँ पर मैंने सादी कॉपी यूज की है, तो लाइनिंग वाली कॉपी जो होंगी उसमें भी अगर हाशिया बना देते एक तरफ तो आपका, ठीक है, तो वहाँ पर बेहतरीन लगेगा देखने में और बेस्ट लगेगा। लेकिन आप काम यही करना है कि काले स्केच का प्रयोग करना है, वहाँ पर काले स्केच का प्रयोग करना है, आपको पेन से नहीं बनाना है, काले स्केच, तब मोटा मोटा दिखेगा, तब ज़्यादा बेहतरीन लगेगा देखने में, ठीक है। बात करते हैं पहले प्रश्न की, उत्तर नंबर एक, प्रश्नोत्तर नंबर एक या आंसर नंबर एक कुछ भी डाल दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपको ऐसे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है, देवकी नंदन खत्री, तो यहाँ पर ऑप्शन ए डाल दीजिएगा आप लोग और देवकी नंदन खत्री लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर हो गया। आप कुछ लोग यहाँ पर ये भी करते हैं दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं उत्तर नंबर एक, उत्तर नंबर एक का कौन सही, ए ऑप्शन सही है, बस दूसरे उत्तर नंबर पे पहुंच गए। तो इस तरह यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा है ये नियम गलत है, यानी कि अब उसको ऑप्शन फिर से देखना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हाँ भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, क्या नाम है, एक नंबर पे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह में वो इरिटेट होगा, उसको यही करना होता है कि भाई जितनी जल्दी हम जितनी ज़्यादा कापियाँ चेक कर दें उतना ही मेरा पैसा बनेगा, ये उसके माइंड में रहता है, ठीक है। हर एक एग्जामिनर के माइंड में यही रहता है कि जितनी जल्दी हम जितनी ज़्यादा कापियाँ चेक कर देंगे उतना ही हमारा पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सीरियल वाइज लिखते हैं, मतलब एक से लेकर के और लास्ट में 18 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अगर हम सीरियल वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर फटाफट नंबर देते हुए चला जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और सबसे कम आपके काम कॉपी में टाइम लगेगा उसको, जो कि उसको वही चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कठिन काव्य, जो कठिन काव्य होते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत जो है दोस्तों वो आपको किसको कहा जाता है, वो केशवदास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इनको, केशवदास को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है। हरी घास पर क्षण भर, ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक काव्य के संकलन के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे अज्ञेय, ठीक है। कौन हो जाएंगे सर? अज्ञेय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर यह कहता है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कामायनी क्या है सर? एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी पे क्या था? महाकाव्य था, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी लिख करके महाकाव्य आगे लिख दिया, आपको ऐसे आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है सर? स्वर्ण काल कहा जाता है। एक नंबर ऐसे आपको मिल जाएगा। तो पांच क्वेश्चन पांच नंबर, उम्मीद करते हैं मतलब बहुविकल्पी तो किसी के गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हिंदी, थर्ड में पढ़ा, फोर्थ में भी पढ़ा, और आगे पीछे टेंथ से तो पढ़ते ही आ रहे हो, नर्सरी क्लास फर्स्ट से तो हिंदी पढ़ते ही आ रहे हो, हर एक छोटी चीज आप लोग यहाँ पर हिंदी में पढ़े हो, तो मतलब हिंदी में अगर किसी के बहुविकल्पी गलत हो जाए तो यार मतलब ठीक है,
तो मतलब हिंदी का पेपर जो है बेसिकली बहुत ही आसान होता है, चाहे वो जो सेमेस्टर हो आराम से हिंदी निकल जाती है, हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों अति लघुत्तरी का पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अति लघुत्तरी पार्ट, यहाँ पर तीन पार्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है, तीन पार्ट में ये क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं। तो जब भी हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे वो हम लोग नया पेज से स्टार्ट करेंगे, जब भी नया चीज़ स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए बहुविकल्पी स्टार्ट किया तो बहुविकल्पी नए पेज से, उसके बाद अति लघुत्तरी वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया तो अति लघुत्तरी भी हमारा नए पेज से होना चाहिए, ठीक है ना, नए पेज से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मसी कागज छुए नहीं, कलम नहीं गही नहीं हाथ, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? कबीरदास जी। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, कबीरदास जी हैं बस। और जैसे ऊपर जो इंस्ट्रक्शन जो नोट दिया रहता है कि भाई अति लघुत्तरी प्रश्न 30 शब्दों में लिखना है, लघुत्तरी प्रश्न 50 शब्दों में लिखना, तो इसका कोई मतलब नहीं होता भाई। यहाँ पर कबीरदास ही का नाम लिखना है तो कबीरदास में कहाँ से हम 30 अक्षर बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे 30 शब्द, सॉरी 30 शब्द कहाँ से बनाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे कोई नोट पे हमें ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल आप कबीरदास जी लिख दीजिएगा, आंसर आपको सेटिस्फाई हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न के, 7 नंबर क्या दिया गया है। 7 नंबर भी सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है कि क्या भूलूँ क्या याद करूँ किसकी आत्मकथा है? तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहता है कि छ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो का प्लस शा के संयोग से बनता है, आधा का प्लस शा के संयोग से क्या बनता है सर? छ बनता है, क्षत्रिय वाला छ। उत्तर नंबर 9 के यहाँ पर क्या कहता है? उत्तर नंबर 9 भी यहाँ पर यह है कि अनुकूल तथा अनुलोम का विपरीत तार्थक शब्द लिखना है। तो अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, अनुलोम का विलोम हो जाएगा। देखिए विपरीत अर्थक शब्द कह लीजिए या आप क्या बोलते हैं उसको पर्यायवाची शब्द, यहाँ से क्वेश्चन उठना ही उठना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% उठेगा। तो इन दो टॉपिक को आप लोग रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका 800 पूछा जाता है, जैसे इस वाले पेपर में 800 पूछा गया था घोड़े का, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों को आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ये चीज़ें मोस्टली याद तो होती हैं, बस एक बार रिवाइज करना होता है आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं क्लास 8 में थे तो रटते थे इसको, रट जाता था पूरा, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से आप लोग रटे हैं, याद है, बस एक बार रिवाइज करना है आपको, बस रिवाइज करते रहिए। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर यह कहता है कि प्रति उपसर्ग में शब्द जोड़कर दो उदाहरण लिखिए। तो प्रति उपसर्ग में प्रतिशत और प्रतिफल, ये दो उदाहरण इसके हो जाएंगे। तीन पूछता है, तीन लिख दीजिएगा, मोस्टली दो ही पूछता है, दो से ज़्यादा नहीं पूछता है। उत्तर नंबर 11, उत्तर नंबर 11 है कि अनिलह तथा पंकजह संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो अनिलह तथा पंकजह शब्द संस्कृत शब्द का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? कर्मशः हवा हो जाएगा, अनिलह मतलब हवा हो जाएगा, एवं पंकजह मतलब क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। आप इतना ना लिख करके सिर्फ ऐसे लिख देते कि अनिलह डैश लगा के यहाँ पर हवा लिख देते, ठीक है, उसके बाद पंकजह डैश लगा करके कमल लिख देते, तब भी उतना ही माना जाता आपका, तब भी उतना ही माना जाता, मतलब एक नंबर का तो एक नंबर दे दिया जाता, मतलब उतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लघुत्तरी वाला पोर्शन, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है और प्रश्नों की संख्या 12 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक होती है, ठीक है, इतने प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर नंबर 12, उत्तर नंबर यहाँ पर 12 ये है, प्रश्न पहले क्या कहता है कि हंस पद या काक पद किसे कहते हैं, लिखना है आपको उदाहरण सहित लिखना है। तो हंस पद काक पद, आपको पता है हंस पद का चिन्ह लगाया जाता है, यानी वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है, बीच में कोई चीज़ छूट जाता है, तो छूटे हुए स्थान पर चिन्ह का प्रयोग करके या इसको लगाकर वह शब्द ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण में दे दिया गया यहाँ पर कि जायसी शाखा के कवि थे, तो यहाँ पर यार एक चीज़ छूट गया ना, प्रेम मार्गी, तो यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का नाम हंसपद, तो हंसपद का प्रयोग कर देंगे और ऊपर लिख देंगे प्रेम मार्गी हो जाएगा हमारा। इसी तरह सेकंड उदाहरण भी दिया गया है कि श्री रामचरित मानस के श्री तुलसीदास जी हैं, तो लेखक छोड़ गया मान लीजिए, तो यहाँ पर हंसपद का प्रयोग करके ऊपर लेखक लिख देंगे, तो यही हमारा हंसपद कह लीजिए या फिर आपका काक पद कह लीजिए, इसको काक पद भी कहते हैं और हंसपद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो उत्तर हमारा हो जाएगा कि प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आय, यानी प्रति का अर्थ होता है साथ में और आय का अर्थ होता है चलने वाला, प्रति का अर्थ होता है साथ में, आय का मतलब चलने वाला, यानी साथ में चलने वाला प्रत्यय। संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि जो शब्दांश
शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। सिंपल सी लाइन हो गई कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, पूरे शब्द को बदल देते हैं, कह लीजिए वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर यह कहता है दोस्तों कि उत्तर नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि अश्व शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो अश्व शब्द के चार पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? आपका घोड़ा हो जाएगा, हय हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। तो ये चार पर्यायवाची, पर्यायवाची भी आप लोग एक्स्ट्रा भी याद कर लीजिएगा, मतलब कम से कम 10-12, 15-20, लगभग 20 तो पर्यायवाची आप लोग रट ही लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आप लोग 20 पर्यायवाची जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा और उन्हीं में से पूछ लिया जाएगा बस, मतलब 20 आप लोग याद कर लीजिए बस, उससे बाहर तो मोस्टली नहीं आने वाला है क्योंकि उतना ज़्यादा वही रिपीट किया करता है क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या करती है, रिपीट करती है सिर्फ, जो भी पेपर बनते हैं ना उसमें सिर्फ रिपीट किया जाता है बस, मतलब उतना ज़्यादा अलग से नहीं जोड़ा जाता है, प्रीवियस ईयर उठाया जाता है। चलिए अगले 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन एक दिया गया ये क्वेश्चन है कि आँखों में धूल झोंकना का अर्थ बताते हुए, आँखों में धूल झोंकना का अर्थ बताते हुए और शब्दों में वाक्य का प्रयोग भी करना है, शब्द में वाक्य का प्रयोग भी करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर आँखों में धूल झोंकना मतलब क्या करना, आँखों में धूल झोंकना, यार उन्होंने मुझे आँखों में धूल झोंक दिया यार, मतलब क्या कर दिया, धोखा दे दिया। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका, धोखा दे दिया, तो धोखा दे दिया मतलब राम ने क्या किया, राम अपने परीक्षा परिणाम, तो ये शब्द का अर्थ बताते हुए बात हो रही है यहाँ पर कि राम अपने परीक्षा परिणाम के बारे में झूठ बोलकर अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहा है, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना अर्थ बताना, उसका मतलब आंखों में धूल झोंकने का अर्थ हो जाएगा धोखा देना, और आगे जो लाइन लिखी गई है राम अपने, ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा, यानी इस शब्द का वाक्य प्रयोग कहाँ पे करना है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो दो नंबर तो आपके कन्फर्म ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विशेषण किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, और उदाहरण भी यहाँ पर लिखना है, विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, अर्थात जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे कि आपका इसमें आपका गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, ये सभी आ जाता है। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि आसमान का रंग नीला है, इसमें नीला क्या है, विशेषण हो जाएगा, तथा आसमान क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, किसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, और विशेषता बताई जाती है मतलब विशेषण क्या, नीला। ठीक है, आसमान क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, कहता है यहाँ पर प्रश्न दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, 17 नंबर प्रश्न कहता है कि सस्वर वाचन के उद्देश्य बताइए, सस्वर वाचन के उद्देश्य बताना। तो यहाँ पर जो सस्वर वाचन है वो मैंने आपका पॉइंट वाइज यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, लेकिन अगर आप लिखने को आता है, अगर आपका ये पूछा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर सस्वर वाचन के उद्देश्य को हम निम्न क्रम से संगठित कर सकते हैं, जैसा कि आपका एक ज्ञान हो जाता है, दूसरा कौशल हो जाता है, तीसरा रुचि और अभिवृत्ति। ज्ञान के अंतर्गत जैसे हम लोग पॉइंट लिख देते हैं कि विद्यार्थियों को लिपि का ज्ञान स्पष्ट कराना चाहिए और शब्द सूत्र का भंडार में उनकी वृद्धि करना चाहिए, मतलब उनके, और विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान भी कराना चाहिए। ये सभी किसके अंतर्गत आता है, ज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर कौशल के अंतर्गत हमें पॉइंट लिखने को आता है तो कौशल के अंदर एक पॉइंट आराम से लिख सकते हो आप लोग कि विद्यार्थियों को उचित आसान उचित भाव मुद्रा के साथ पूर्ण मनोयोग से सस्वर पाठन करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, ये इनके कौशल के अंतर्गत आ जाता है। रुचि के अंतर्गत जैसे कि विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, मतलब विद्यार्थी पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने, तो ये सब रुचि के अंतर्गत, जैसे आप लोग रुचि के बारे में लिख रहे हैं तो रुचि के बारे में आप लोग ऐसे यहाँ पर डाल के और एक लाइन लिख दीजिएगा कि विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए या अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना और विद्यार्थियों का पठन सामग्री विश्लेषण उनके मूल्यांकन में रुचि उत्पन्न करना, कि उनके मूल्यांकन में रुचि उत्पन्न हो, अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो सके। बात करते हैं यहाँ पर अभिवृत्ति की, अगर अभिवृत्ति के बारे में अगर आप एक दो पॉइंट लिख देते हो, जैसे कि अभिवृत्ति में क्या आ जाता है कि विद्यार्थियों में भाषा, साहित्य, देश, जाति, धर्म आदि के प्रति भाव का निर्माण हो, ठीक है, ये अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है, और विद्यार्थियों में भाषा सीखने के प्रति अभिवृत्ति हो, उनके भाषा सीखने के प्रवृत्ति हो, ये सभी क्या आता है, अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के, जो कि उत्तर नंबर 18 है, उत्तर नंबर 18 यहाँ पर मतलब कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं,
कुछ यहाँ पर शब्द या कुछ लाइनें कह लीजिए कुछ ऐसी दी गई हैं, इनको शुद्ध करना है। मैंने एक वीडियो में स्पेशली आपको वहाँ पे दिया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, वो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, वो एक फ़ोटो मैंने वहाँ पे उस वीडियो में इंक्लूड किया था बेसिकली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब वहाँ से ही ये प्रश्न उठाया गया है दो नंबर का। अगर आप वो वीडियो आप लोग देख लोगे ना, तो मतलब वहाँ से भी दो नंबर हो सकते हैं आपके कन्फर्म ही हो जाएँ, ठीक है ना, वहाँ से दो नंबर जो हैं वो आपके कन्फर्म ही हो जाएँ। तो वहाँ पर वो चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा, याद आएगा आप लोगों को कि हाँ सर आपने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं कि उसने पांच कचौड़ी खाई, ठीक है ना दोस्तों, पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर उसने पांच कचौड़ी खाई, तो यहाँ पर जो कचौड़ी है इसको आपको शुद्ध करना है कि भाई पांच कचौड़ी खाई उसने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांच कचौड़ी खाई नहीं, उसने पाँच कचौड़ियाँ खाई, चूँकि दोस्तों कचौड़ी पाँच यहाँ पर एक नहीं बहुवचन के साइड जा रहा है, तो कचौड़ियाँ हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उसका प्राण पखेरू उड़ गया। यहाँ पर सीरियल से रख लिए गए हैं दोस्तों, ये सीरियल से इसी तरह से मैंने बताया था, अभी नीचे देखेंगे, नीचे मैंने इंक्लूड किया है फोटो को, अभी आप लोग वहाँ पर देखिएगा, उसका प्राण पखेरू उड़ गया, तो उसका नहीं उसके प्राण पखेरू उड़ गए, ठीक है, शुद्ध हो गया। मैंने मेरा काम कर लिया ये नहीं होगा, मैंने अपना काम कर लिया, ये शुद्ध हो जाता है। फोर्थ नंबर हो जाएगा परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए, तो परीक्षा का सारा प्रणाली नहीं, परीक्षा की संपूर्ण प्रणाली जो है वो बदल देनी चाहिए, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर ये फोटो आप लोग देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि अशुद्ध एवं शुद्ध वाक्य अब आपको याद आ गया होगा कि हाँ ये चीज़ बताई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार सीरियल से उठा लिएगा दोस्तों, कि उसने पांच कचौड़ी खाई, उसका प्राण पखेरू उड़ गया, मैंने अपना काम या मैंने मेरा काम कर लिया, या परीक्षा का सरल पढ़ा ली। तो यहाँ पर देख ले सकते हो आप लोग कि लगातार सीरियल से उठा लिया गया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर पाँचवा नंबर पॉइंट, यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी है, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और आपको पता भी होगा कि हाँ ये चीज़ें बताई गई थी, आपको पता होगा ये चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि जन्मभूमि स्वर्ग भी से बड़ी है, तो जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, ये चीज़ होता है। सातवां हो जाता है यहाँ पर कि मनुष्य का निर्लोभी होना चाहिए, तो मनुष्य को निर्लोभी होना चाहिए। आठवां हो जाएगा कि हम सब एक भी संस्कृत के उपासक हैं, तो हम सब एक ही संस्कृति के उपासक, ये होना चाहिए। अगला अशुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि पेड़ से पत्ता गिरते हैं आपका बहुवचन जा रहा है, तो पत्ते हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारे मित्र ने पुस्तक पढ़ी, तो मेरे मित्र ने पुस्तक पढ़ी। मेरे पूर्वज धन्य थे, तो हमारे पूर्वज धन्य थे। और काम से ही फल मिलता है, तो काम करके ही फल मिलता है, ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में आएगा दोस्तों, तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने आपको यहाँ पर बता दी, गारंटी देता हूँ कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।